अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत और अमेरिका किस एडिसन का युद्ध अभ्यास 8 फरवरी से राजस्थान में शुरू हो रहा है, ए 13वें, बी 15वें, सी 16वें या डी 17वें। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर के नाथगढ़ सब्जी मंडी में अपराधियों के द्वारा दहशत और रंगदारी मांगने पर गोलीबारी और बमबाजी। नाथगढ़ थाना के मामले में पुलिस की 24 घंटे तक भी हाथ खाली दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि शुक्रवार को खाद व्यवसायी से रंगदारी मांगने पहुंचे रूपेश यादव व्यवसायी पर गोली चला दिया, जिससे व्यवसायी बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी नाथनगर थाने को दी। जानकारी मिलते ही नाथनगर थाने से दलबल के साथ पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। शुक्रवार को नाथनगर सब्जी मंडी में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अभी हम लोगों ने इस एरिया में फ्लैग मार्च किया है और व्यवसायियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यदि होती है तो वो हम लोग को सूचित करें, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। कल प्राथमिकी दर्ज भी की गई है, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं जी। कल जो मामला प्रकाश में आया था उस बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस की लगातार छापेमारी कर रही है। जिस तरह से गिरफ्तारी जी, उसके लिए टीम गठन किया गया जिसमें ललमटिया, नाथनगर और मधुसूदनपुर थाना प्रभारी है। मैं स्वयं इस टीम की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदया भी इस टीम की मॉनिटरिंग कर रही है। धन्यवाद। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहाँ उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। भागलपुर के ट्रिपल आईटी के नए भवन व नए कैंपस की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ। भागलपुर के ट्रिपल आईटी के नए भवन व नए कैंपस का निर्माण प्रक्रिया शुरू होने को है। वहीं इसको लेकर बीते वर्ष उस जगह पर लगे आम के पेड़ों को दूसरे जगह लगाया गया था। वहीं ट्रांसप्लांटेशन का जिम्मा व देखभाल की जिम्मेदारी सीएम एक्स मार्केटिंग रिसर्च एंड कंपनी द्वारा ली गई थी। ट्रांसप्लांट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन पेड़ सूखने के दौरान जब ट्रिपल आईटी के निर्देशक उक्त कंपनी को पत्र लिखकर जानकारी दे रहे हैं या कॉल कर रहे हैं तो कंपनी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। लिहाजा ट्रिपल आईटी के निर्देशक द्वारा कंपनी पर एफआईआर करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर निर्देशक अरविंद कुमार चौबे ने भागलपुर के सीनियर एसपी नीताशा गुड़िया को आवेदन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। एक साल पहले न्यू कैंपस डेवलप करना है ट्रिपल आईटी भागलपुर का, उसके लिए जितने मैंगो ट्रीज हैं उसको ट्रांसप्लांट करना था दूसरी जगह, तो जो DFO हैं उनसे हमने उस समय बात की और पूरा DFO की टीम, CPWD के पूरा टीम और इंस्टीट्यूट की टीम काफ़ी हम लोग आए, काफ़ी लोग आए और किस किस पेड़ को हटाना है रास्ता बनाने के लिए उस पर तय हुआ। करीब 25 से 30 मैंगो ट्रीज को शिफ्ट करना ये तय हुआ और फिर CPWD ने जिस कंपनी को टेंडर दिया था वो या मैक्सिमम गवर्नमेंट टेंडर जिस कंपनी को जाता था उस कंपनी को हमने न्यूज पेपर निकाल के और जो लोएस था हमने फॉर्मेलिटी किया और उस कंपनी को ऑर्डर दिया गया। कंपनी ने पेट को ट्रांसप्लांट भी किया और ट्रांसप्लांट करने के बाद 5-6 महीने तक तो पेट ठीक रहे, उसके बाद 6 महीने के बाद हमको बताया गया कि पेट सूख रहे हैं।
कंपनी को हमने लेटर लिखा कि पेन सूख रहे हैं, इस पर आप आकर जल्दी उसको ट्रीटमेंट करें, तो लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी सारे फ़ोन से यहाँ पर हर एक हफ्ते पर हमने यहाँ से फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन का भी पिकअप नहीं करते हैं। लास्ट में एक उनको हमने लास्ट एक लेटर दिया है कि आप पेन को आकर उसका ट्रीटमेंट करें और कितने पेन सूखे हैं हमको आप रिपोर्ट दें, अदरवाइज आप पर FIR की जाएगी। तो ये करीब 10-15 दिन पहले हमने एक लास्ट लेटर दिया है, इसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो हम फिर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। वो कौन सी कंपनी है सर? नवगछिया SP ने थाना अध्यक्षों के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी, कहा पैक्स चुनाव को लेकर पंचायत की गतिविधियों का रखे निगरानी। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को SP सुशांत कुमार सरोज की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में SP ने सभी थाने से थानावार कांडों की समीक्षा की एवं कांड के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान SP ने हाल के दिनों में हुए आपराधिक घटनाओं की भी समीक्षा की। हाल के दिनों में हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर SP ने घटना में शामिल अपराधियों की तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश थाना अध्यक्षों को दिया है। इसके साथ ही थाना क्षेत्र में फरार चल रहे अपराधियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बैठक में SP ने पैक्स चुनाव एवं सरस्वती पूजा को लेकर भी थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पैक्स चुनाव को लेकर थाना अध्यक्ष को पंचायत में गतिविधि तेज करने का निर्देश दिया गया है। विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया, जमीन संबंधी समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने की प्रेस वार्ता। नवगछिया बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर कहा कि वर्षों पहले उन लोगों को नवगछिया DCLR द्वारा जमीन का आवंटन अधिवक्ता संघ भवन के लिए किया गया था। जमीन आवंटन होने के बाद आज तक जमीन का हस्तांतरण अधिवक्ता संघ को नहीं किया गया है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए अधिवक्ता सत्यनारायण चौधरी कौशल ने कहा कि वर्तमान में संघ भवन भी छोटा पड़ने लगा है, सरकार और ज्यादा जमीन अधिवक्ताओं के लिए आवंटित करना चाहिए, लेकिन अभी तक भवन बनी जमीन का भी आवंटन नहीं किया गया है। श्री कौशल ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर उन लोगों का काम नहीं किया जाता है तो वे लोग उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने को मजबूर हो जाएंगे। श्री कौशल ने न्यायिक पदाधिकारी की कमी का मामला भी प्रेस वार्ता में उठाया। इस अवसर पर पूर्व महासचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता राकेश कुमार चौधरी, रजनीश कुमार व अन्य अधिवक्ता मौजूद थे। सरकार से जमीन बंदोबस्ती के लिए हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था बहुत पहले, तो चिट्ठी लिखे थे, हम बता रहे हैं 5-10-12 को चिट्ठी लिखी थी, लिखा था कि हमको जमीन चाहिए और जमीन का विवरण चाहिए। गलत बात क्या, उसमें मोजा पकड़ा का था
और जमीन 50 डिसमल था। ये चिट्ठी के लिए हमने निवेदन किया था 12 को, 12 के बाद फिर 2018 में किया और बावजूद नहीं आया। तो जब हमारे चीफ जस्टिस महोदय ये हम लोगों के हम आए मिलने के लिए 29/5/19 को हम लोगों ने उनको सारी समस्याएं रखी और समस्या रखने के बाद उन्होंने कलेक्टर को हम लोगों के सामने कहा और निर्देश भी दिया कि आप इस जमीन को इन लोगों को बंदोबस्त कर दीजिए। लेकिन कलेक्टर महोदय ने कलेक्टर महोदय ने चिट्ठी लिखा है ना, उस चिट्ठी का हम दे रहे हैं आपको, जो दिए हैं देखिए, उसमें चिट्ठी लिखा है ना, उसने चिट्ठी लिखा कलेक्टर ने, दो चिट्ठी लिखा है ना। मूर्ति उच्च न्यायालय पटना के अनुमंडल व्यवहार न्यायालय नवगछिया के निरीक्षण दिनांक 29/5 के क्रम में दिए गए निर्देश, तो ये निर्देश दिया कलेक्टर साहब ने बिहार सरकार को कि हमको आप ये जमीन आवंटित कर दीजिए मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जो निर्देश दिया गया उस निर्देश के आलोक में उन्होंने बिहार सरकार ने एक दूसरी चिट्ठी इनको लिख दिया। वो चिट्ठी का पत्रांक हम इसमें लगा दिए हैं, ये चिट्ठी का पत्रांक है 500609 दिनांक 4/5/20। क्या लिख दिया तुम? उसमें लिख दिया कि ये जमीन इस संकल्प संख्या दे दिया, कितना है संख्या 359/6/19/5/14 का रेफरेंस देके दे दिया इस संकल्प के। अधिवक्ताओं में काफ़ी निराशा है इस बात का कि कई जुडिशियल अफसर की पदस्थापन नहीं होने के चलते हमारा कोर्ट खाली है। दूसरा एसडीओ का कोर्ट जो होता है वो भी विशेष एसडीओ का पदस्थापन होने की संभावना सब जगह थी। हमारे यहाँ एक कार्यपालक पदाधिकारी थे, वो रिटायर कर गए, उसके बाद कोई कार्यपालक दंडाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया गया है, जिसके चलते 107 का, 145 का, 144 का, 133 का कोई मुकदमा नहीं चल पाता है। हमारे लॉयर निराशा के उसके लिए अलग से लिखे हैं, उसके लिए हम अलग से लिखे हैं, कॉपी भी हम दिए हैं। नवगछिया में बृहत रक्तदान शिविर 28 फरवरी को तैयारी को लेकर आयोजित किया गया बैठक। क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया द्वारा आगामी 28 फरवरी 2021 दिन रविवार को बाल भारती स्कूल पोस्ट ऑफिस रोड में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर एक बैठक मीडिया प्रभारी अशोक केडिया के प्रतिष्ठान में हुआ। वहीं बैठक में संयोजक श्रीधर कुमार, अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह, सचिव राजीव गुप्ता ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी संस्था द्वारा बाल भारती स्कूल में बृहद रक्तदान उत्सव संस्था द्वारा किया जाएगा। संस्था का यह प्रयास हमेशा रहता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े उसे संस्था रक्तवीरों के सहयोग से अविलंब उपलब्ध कराने का सार्थक प्रयास करती है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। बिहपुर ग्वारीडीह में ग्रामीणों के सर्च अभियान में कई तरह के पुरावशेष बरामद। नवगछिया के बिहपुर प्रखंड के जरमपुर गांव के दियारा इलाके ग्वारीडीह में अविनाश कुमार चौधरी द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में शुक्रवार को कोसी तट से कई तरह के पुरावशेषों को सुरक्षित किया गया है। इस कार्य में अन्य ग्रामीण युवकों की भी भागीदारी थी। नवगछिया में 5वें दिन इंटर की परीक्षा कदाचार मुक्त सम्पन्न। नवगछिया के 6 केंद्रों पर चल रही इंटर की परीक्षा 5वें दिन शुक्रवार को भी शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। दोनों पालियों में हुई परीक्षा में कुल 3326 परीक्षार्थी में से 3569 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि कुल दोनों पाली में कुल 52 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में हुए जीव विज्ञान विषय की परीक्षा में कुल 886 परीक्षार्थियों में से 876 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी एवं 10 अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में हुई हिंदी विषय की परीक्षा में कुल 2735 परीक्षार्थी में 2693 ने परीक्षा दी एवं 42 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया किसान सभा का चक्का जाम आज। अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर शनिवार को
नौगछिया एसपी आवास के सामने एनएच 31 पर चक्का जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त जानकारी अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला संयोजक निरंजन चौधरी ने बताया कि शनिवार को 2 बजे दिन में एसपी आवास के सामने 1 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण होगा। नवगछिया चक्का जाम को लेकर 7 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस प्रतिनियुक्त। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संगठनों के संयुक्त राष्ट्रव्यापी चक्का जाम कार्यक्रम के तहत शनिवार को होने वाले चक्का जाम को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से चक्का जाम को लेकर 7 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस जिले के सतीश नगर चौक, बिहपुर चौक से बगड़ी चौक, बगड़ी चौक से 33 जीरो माइल, कदवा से 33 जीरो माइल होते हुए टेक्नो मिशन जगतपुर चौक, टेक्नो मिशन से जानवी चौक, मकनपुर चौक से मदरौनी चौक एवं मदरौनी चौक से कुरसेला सीमांत तक के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने प्रतिनियुक्ति क्षेत्र में चक्का जाम के दौरान आवागमन अवरुद्ध ना हो, यह सुनिश्चित करेंगे। चक्का जाम के कारण आवश्यक सामग्री और जनहित से जुड़े किसी भी मामले में यदि प्रदर्शनकारी के द्वारा अवरोध पैदा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नवगछिया मुखिया पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। घटना के 36 घंटे बाद भी परिजन ने नहीं दिया है आवेदन। नवगछिया के पकरा गांव में मुखिया कदम देवी के पुत्र कुमार गौरव उर्फ कुमुद कुमार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में घटना के 36 घंटे बाद भी परिजनों ने किसी प्रकार का आवेदन थाने में नहीं दिया है। पुलिस ने बताया कि घायल के पिता ने बताया कि घटना के संबंध में जो भी बोलेगा उसका पुत्र ही बोलेगा, क्योंकि उसी के साथ घटना हुई है। इधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पूछताछ के लिए पकरा निवासी राजकिशोर राय उर्फ झोटाना उर्फ बिलरिया के पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ पकरा गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस के वरीय पदाधिकारी पकरा गांव पर प्रत्यक्ष नजर बनाए हुए हैं। मालूम हो कि मुखिया पुत्र पर हुए जानलेवा हमले का कारण चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। रंगरा पुलिस का वांछित डिंपल यादव को झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की चर्चा। रंगरा के सदवा निवासी साथी डिंपल यादव को झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने की चर्चा है। मालूम कि डिंपल कई मामले में आरोपी है। हालांकि रंगरा के थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। गोपालपुर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच मदरौनी ने जीता। गोपालपुर के सैदपुर गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में 75 रन से मदरौनी की टीम ने मैच जीतकर विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच सैदपुर व मदरौनी के बीच खेला गया। मैन ऑफ द मैच मदरौनी के खिलाड़ी परिमल बने, जबकि मैन ऑफ द सीरीज YCC सैदपुर टीम के उप कप्तान सुजीत सिंह को दिया गया। यह टूर्नामेंट आशुतोष कुमार व बंटी बाबा की स्मृति में खेला गया। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787732505247। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन।
जीरो माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। पानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।